हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डिस्कवर इट। दिस इज आर्या सिंह एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। इससे पहले हम लोगों ने एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, पिच सारी चीज़ें कवर किया है, तो अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें। तो वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड। मैंने आपको चैप्टर के फर्स्ट में ही बताया था कि साउंड वही चीज़ से प्रोड्यूस होती है जहाँ पे वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन मीन्स जहाँ पे टू फ्रो मोशन प्लेस होगा, जहाँ भी टू फ्रो मोशन प्लेस होगा उसे हम कहते हैं वाइब्रेशन, और जिसमें वाइब्रेशन होता है उसे हम कहते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी। और जब भी वाइब्रेटिंग बॉडी करता है वाइब्रेट तो प्रोड्यूस करता है, वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है? वहाँ पर प्रोडक्शन होती है साउंड की। ओके, साउंड। कैन वी हीयर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज? देखिए, क्या हम सारे वाइब्रेटिंग बॉडीज़ के साउंड को एक तरह से बोल सकते हैं, सुन सकते हैं? द फैक्ट इज़ दैट साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, जिसे हम 20 हर्ज बोलते हैं। देखिए, जो फैक्ट है साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी का, जो लेस देन हो, यानी 20 से कम हो, जैसे 20 Hz कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। ओके, जो 20 Hz से कम के साउंड होते हैं वो हम नहीं सुन सकते, वो हम इजी वे में सुन नहीं सकते। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल। तो वो साउंड जिसे हम सुन नहीं सकते उसे हम कहते हैं इनऑडिबल साउंड। क्या कहते हैं? इनऑडिबल साउंड कहते हैं। और किस 20 Hz के नीचे साउंड हम लोग सुन नहीं सकते, तो 20 Hz के नीचे वाले जितने भी साउंड्स आएंगे वो आएंगे हमारे इनऑडिबल साउंड में, यानी हम उन्हें नहीं सुन सकते। चलिए, अब अगर दूसरे साइड बात करें तो ऑडिबल साउंड आता है। इनऑडिबल तो हमें देख लिया, अब आता है हमारा ऑडिबल। ठीक है, ऑडिबल साउंड क्या होता है? अदर द हाइयर साइड, दूसरी साइड से साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है अगर हाइयर हो 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी 20 Kz आर नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। ठीक है, तो इससे ज़्यादा का भी साउंड होगा 22,000 वाइब्रेटिंग पर सेकेंड पे, तो वो भी हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो वो भी बहुत ही, एक तरह से बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो हम उसे भी नहीं सुन सकते। आर नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर में हम उसे अच्छे से सुन नहीं सकते। ठीक है, वो साउंड जिसे हम सुन नहीं सकते 20,000 तक के साउंड्स को हम लोग सुन सकते हैं, यानी 20 के ऊपर चले जाएंगे तो वो साउंड हम सुन नहीं सकते, 20 के बाद वाले सुन सकते हैं, और वो भी 20,000 Hz तक ही सुन सकते हैं। उसी के बीच में 20,000 Hz से अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे नहीं सुन सकते। ओके, चलिए, तो ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल रेंज है, यानी ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसी है, किस फ्रीक्वेंसी से जो ह्यूमन ईयर होता है वो सुनता है कोई भी चीज़ को, तो वो एक्चुअली रफली जो साइंटिस्ट लिख के गए हैं और जो NCERT में लिखा हुआ है वो है 20 to 20,000 Hz, जिसे मैंने अभी आपको डिटेल में बता दिया है। ओके, सम एनिमल कैन हीयर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हाइयर देन 2,000 Hz। कुछ एनिमल्स होते हैं वो 20,000 Hz से भी ज़्यादा के साउंड को, एक तरह से बोल सकते हैं, क्या करते हैं, इससे ज़्यादा के साउंड को भी हीयर करते हैं। डॉग में ये एबिलिटी होती है। द पुलिस भी हाइयर फ्रीक्वेंसी वाली विशल्स को यूज़ करती है, जो क्या बोलते हैं, डॉग तो सुन सकते हैं पर ह्यूमन नहीं सुन सकते। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स फैमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेट एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्किंग एट फ्रीक्वेंसी हाइयर देन 20,000 Hz। देखिए, दो तरह के साउंड्स भी होते हैं, एक होते हैं हमारे पास इन्फ्रा, दूसरा होता है अल्ट्रा। देखिए, अल्ट्रा क्या होता है एक्चुअली? अल्ट्रासाउंड 20,000 Hz के ज़्यादा होता है, और ये हमारा 20 Hz से कम होता है इन्फ्रा, और 20,000 Hz से ज़्यादा होता है अल्ट्रा। ओके, तो अल्ट्रा और इन्फ्रा आपको याद रखना होगा। तो अगला है हमारा नॉइज़ और म्यूज़िक। ठीक है, तो ये जो हमारा है नॉइज़ और म्यूज़िक, इसे हम कल अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइए हमारे लेट्स डिस्कवर इट के चैनल के बारे में। थैंक यू।